उज्जैन रोड नागुकेड़ी पटाखा दुकान की गुरुवार को चेकिंग थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गई तो वहां पर कई प्रकार की अनियमितता पाई गई। थाना प्रभारी सिविल लाइन संजय सिंह पुलिस बल के साथ नागुकेड़ी स्थित नोबल फायर वर्क्स पर चेकिंग के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने फायर संबंधित उपकरण देखे, आवक जावक संबंधित दस्तावेज दुकान संचालक पुलिस को उपलब्ध नहीं करा पाए। साथ ही पटाखों की राशि लिस्ट में किसी संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं मिले, साथ ही दुकान पर अनियमितता भी मिली, जिसे लेकर अब कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए कलेक्टर व एसपी द्वारा पटाखा दुकानों की चेकिंग के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके चलते गुरुवार को नोबल फायर वर्क्स के संचालक अकबर अली की दुकान पर निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान दुकान में अनियमितता पाई गई है, जिनके संबंध में कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजकर इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। दुकान में अन्य असुविधा भी मिली है, सड़क पर बोर्ड भी लगाए गए हैं जिससे यातायात बाधित हो रहा था, जिसके चलते बोर्ड की जब्ती भी की गई है। आज जो है आगामी त्यौहार दीपावली के उपलक्ष्य में सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा फटाखों की दुकान की चेकिंग के निर्देश जारी किए गए थे। उन्हीं निर्देशों के तारतम्य में आज जो है अकबर अली की दुकान का यहाँ का निरीक्षण किया गया है, और निरीक्षण के दौरान कुछ इनकी दुकानों में अनियमितताएँ पाई गई हैं, जिनके संबंध में कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेज के इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, और बाकी चीज़ें इनके अभी जांच चूँकि पूर्ण इनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो उसकी जांच पूर्ण नहीं हो पाई, तो उनकी पूर्ण जांच के लिए इनके दस्तावेज उपलब्ध कराने इनको बताया गया है। दस्तावेज उपलब्ध होने के उपरांत ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो फायर उपकरण थे उसमें भी कोई अनियमितताएं पाई गई? फायर उपकरण में इनके चेक किया गया है, वेट डेट के थे, और रेत वगैरह रखी हुई पाई गई, पानी वगैरह भी पाया गया है, और भी सुरक्षा उपकरण जो होना चाहिए थे वो इनके यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक हैंडलर की व्यवस्था होना चाहिए जो हैंडल कर सके, उसको चेक कर सके, और अंदर बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो है इनकी कमियाँ पाई गई हैं, जिनके संबंध में इनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा, और यदि संतोषजनक इनके द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है तो इनके विरुद्ध जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन श्रीमान डीएम महोदय को भेजा जाएगा। सर, रोड पर कुछ बोर्ड लगे थे उन पर भी कार्रवाई? हाँ, ये रोड पर इनके द्वारा जो है यहाँ पर कई व्यापारियों के द्वारा रोड पर बोर्ड लगाए गए हैं, जिसके कारण से यहाँ यातायात में असुविधा उत्पन्न हो रही थी और यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसके तहत में यहाँ पे पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है और इनके बोर्ड की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, और ये प्रकरण बनाकर इनके न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। सर, जिससे देखा गया कि यहाँ पर नाबालिग बच्चे भी कार्य करते हुए, हाँ, इनके संबंध में इनसे जानकारी ली जाएगी, इनको नोटिस दिया जाएगा कि आपके द्वारा जो है शर्तों का पालन क्यों नहीं किया गया, और अगर इनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो उपरांत इसके उपरांत डीएम महोदय को विस्तृत प्रतिवेदन बना के कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।